नवरात्रों में या कभी भी अगर आप हवन करते हैं और हवन कुंड खाली करते हैं तो एक प्रक्रिया आपको अवश्य करनी चाहिए, एक चीज़ आपको अवश्य ही ध्यान रखनी चाहिए। ये जो हवन सामग्री बर्न हो जाती है और तत्पश्चात जो शेष रह जाती है उसको कभी भी गंदी नाली में नहीं डालें। उसको जल प्रवाहित आप कर सकते हैं, पवित्र जल प्रवाहित आप कर सकते हैं, लेकिन ये इसका अच्छा उपयोग मैं आपको बता रही हूँ। इसको गंगा जल मिला के तिलक के रूप में आप काम में लेते हैं या भभूत को माथे पे लगाते हैं, ये क्योंकि भभूत है, ये भभूत के जो भी प्रयोग होते हैं, शुद्ध भभूत के जो भी प्रयोग होते हैं ये आप उससे कर सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा और भी चमत्कारिक लाभ आपको बताऊंगी आज के वीडियो में। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, आज के वीडियो में बने रहिए। आज बहुत खास जानकारी आपके मतलब की है और नवरात्रों में आप हवन करते हैं या कभी भी आप हवन करते हैं तो हवन सामग्री आपके पैरों में नहीं आनी चाहिए। जो आप यूज़ में ले चुके हैं वो भी आपके पैरों में नहीं आनी चाहिए। उसको घर की झाड़ू से इकट्ठा ना करें, कभी भी घर की झाड़ू उस पर ना लगाएं। मोर पंख की झाड़ू जो आप पूजा पाठ के काम में लेते हैं, मंदिर के काम में लेते हैं, उसका प्रयोग आप इसको इकट्ठा करने में कर सकते हैं। कोई भी पवित्र वस्त्र आप ले सकते हैं जो धुला और स्वच्छ हो, लेकिन वो सफ़ेद नहीं होना चाहिए, पीला या लाल वस्त्र आप ले सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। भभूत का आप टीका लगाते हैं तो आप हर जगह विजयी होंगे, आपकी हर जगह जीत ही जीत होगी। भभूत का ऐसा ही प्रकोप हो मतलब प्रताप होता है, भभूत का ऐसा ही प्रताप होता है, सॉरी प्रकोप बोल गई, प्रकोप नहीं, प्रकोप ना समझें इसको, प्रकोप तो गलत शब्द है, नेगेटिव शब्द है, लेकिन हम प्रताप बोलना चाह रहे थे तो प्रकोप निकल गया गलती से, क्षमा चाहेंगे उसके लिए। तो आप इस भभूत के प्रताप को महसूस करिए और अपने जीवन में आत्मसात करिए। चुटकी भर अगर भभूत आप किसी भी तरह से चाट लेते हैं शहद में मिलाकर तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, आपकी जो वाणी है शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है और आप जो भी चाहते हैं वो आपके साथ होता है, शुभ ही शुभ होने लगता है, आपके साथ अच्छा ही अच्छा होने लगता है, क्योंकि भभूत इतनी पवित्र होती है जिससे कई काम किए जा सकते हैं। इस भभूत को अगर आप तुलसा जी में डालते हैं तो भी उत्तम बात है, जल में डालकर तुलसा जी में डाल सकते हैं एक चुटकी, आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि इस हवन सामग्री में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, पावर होती है। इसको किसी भी शुभ काम में आप ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, अपनी नाभि पर भी अगर आप इसको लगाते हैं तो आपकी शुद्ध हो जाता है। नहाने के पानी में एक चुटकी भभूत डालिए, आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा और आपके अंदर सात्विक विचारों का उद्गम होगा। ये भभूत किसी भी रूप में आप ले सकते हैं, इसके अच्छे अच्छे प्रयोग ही होते हैं, नेगेटिव प्रयोग नहीं होते हैं। इसको आप किसी भी वृक्ष पर चढ़ा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होता आपको, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और ये भभूत इतनी पवित्र है, इसको अगर आप किसी भी जैसे मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं तो ये अभिमंत्रित भी हो जाती है। माता रानी के कोई भी मंत्र आप जप सकते हैं, ओम नमः शिवाय आप जप सकते हैं, माँ दुर्गा का नाम जप कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ये रसोई के डिब्बों में भी डालते हैं तो आपका भंडार गृह हमेशा बढ़ा रहेगा, आपके घर में कभी भी किसी भी चीज़ का क्षय नहीं होगा, बल्कि आपका भंडार गृह, आपका जो भोजन संबंधी तत्व है वो पूर्ण रूप से होगा, अन्नपूर्णा माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी, आपका जो भंडार गृह है वो सदा धन धान्य से पूरित होगा, आपकी तिजोरी धन लाभ को प्राप्त करेगी। अगर आप एक चुटकी भभूत अपने कुबेर मंत्र से अभिमंत्रित करके आपकी तिजोरी में रखते हैं तो आपके जीवन में पैसा ही पैसा आता है। एक चुटकी भभूत अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो आपका पर्स कभी खाली नहीं होता, आप एक चुटकी भभूत अपनी पुड़िया किसी पुड़िया में आप रखते हैं तो आपको हमेशा आपकी जेब भरी हुई मिलेगी। अपने तकिए के नीचे एक चुटकी भभूत आप रखते हैं तो आपको नींद अच्छी आएगी और आपको अच्छे ही अच्छे स्वप्न आएंगे। ये भभूत इतनी पावरफुल है, इसकी महत्ता मैं क्या बताऊँ आपको, इसका आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये देखिए मैंने हवन कुंड से भभूत खाली की थी और मैंने एकत्रित कर ली है, क्योंकि इसमें गूगल है, लोबान है, कपूर है,
और पतंजलि की हवन सामग्री जो मैं यूज़ में लेती हूँ ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो पतंजलि की हवन सामग्री में तो बहुत अच्छे अच्छे गुणों से भरपूर हवन सामग्री होती है, तो इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और हमारे घर भी शुद्ध हो जाता है। हवन अगर आप अपने घर के कोनों में डालते हैं तो आपका घर पवित्र हो जाता है, और आपके घर में पेड़ पौधों में भी ये हवन सामग्री डालते हैं तो पेड़ पौधे अच्छी तरह पल्लवित होने लगते हैं और पुष्पित होने लगते हैं। तो ये हवन का प्रताप इतना ज़्यादा है, हवन की जो सामग्री बर्न हुई होती है, भभूत होती है, ये बहुत पवित्र होती है। ये भभूत आप जिस किसी को भी देंगे उसके समस्त रोगों का निवारण हो जाता है, समस्त दुख उसके जीवन से मिट जाते हैं। आप जिनको भी देते हैं उनके जीवन में सुख ही सुख का संचार होने लगता है। तो आज का वीडियो इतना ही था। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रूमाश्री, 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। आप मेरे इस एस्ट्रोलॉजिकल अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। अभी डिस्काउंट रेट पे नवरात्रि ऑफर दिया जा रहा है, इसके तहत 1100 रुपये मात्र आपको जमा कराने पड़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के जरिए संपर्क करें और मेल आईडी जानें तो आज मेल आईडी आपको पता चली जाएगी। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी आप जान सकते हैं और उसके थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं, परामर्श के बारे में जान सकते हैं। 1100 रुपये में मात्र आपको परामर्श दिया जा रहा है। इसके तहत जन्मपत्री बनाकर आपको नहीं भेजी जाएगी, मात्र आप जन्मपत्री से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजना होता है। इसके तहत हम आपकी जन्मपत्री बना लेते हैं और आपको परामर्श देते हैं। जन्मपत्री आपको किसी भी कीमत पर भेजी नहीं जाएगी क्योंकि ये ऑफर में शामिल नहीं है। अगर आपकी डिटेल नहीं है, किसी भी तरह की बर्थ डिटेल नहीं है, तो आप पाम प्रिंट भेजकर पाम रीडिंग करवा सकते हैं। इसका भी जो चार्जेस है 1100 मात्र है। आप फोटो एनालिसिस भी करवा सकते हैं, इसका भी चार्जेस 1100 रुपये मात्र है। आप जो तीनों ही सुविधा लेना चाहते हैं, तीनों ही फैसिलिटी लेना चाहते हैं, जन्मपत्री, पाम रीडिंग और फोटो एनालिसिस, तो आपको 3300 रुपये जमा कराने पड़ेंगे मात्र। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।